नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप किसी भी प्रोग्राम में कीबोर्ड प्ले करना चाहते हैं तो एक प्रोग्राम में कीबोर्ड प्ले करने के लिए हमें जो सबसे जरूरी बात होता है, जो चीज को हमको सीखना चाहिए, उस चीज के बारे में आज हम बात करेंगे और आपको सिखाएंगे कि ये चीज क्या है और कैसे आपको बजाना है। तो कीबोर्ड अगर आप प्ले करते हैं या प्ले करना चाहते हैं तो कीबोर्ड में जो सबसे जरूरी चीज होता है वो है वाइब्रो। वाइब्रो का साउंड कुछ इस प्रकार से होता है, देखिए। होता है वाइब्रो का साउंड। वाइब्रो कैसे उपयोग किया जाता है? सबसे पहली बात, अगर आप किसी भी प्रोग्राम में कीबोर्ड पकड़ के बैठे हैं प्रोग्राम में कीबोर्ड बजाने के लिए, तो कीबोर्ड में आप वाइब्रो को, अगर आपका कीबोर्ड बैंक सिस्टम वाला है तो बैंक के पहला बैंक के फर्स्ट नंबर में ही आप वाइब्रो को सेट करके रखिए, इस वाले ट्यून को। और इसको कैसे उपयोग करना है देखिए, जब हम कीबोर्ड रखते हैं तो इधर को हम कॉर्ड के रूप में सेट किए रहते हैं, जैसे इधर देखिए, ये कॉर्ड हो गया, ठीक है। अगर हम कॉर्ड को बंद करते हैं तो इधर भी हमारा वाइब्रो टोन ही चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो अभी हम क्या करेंगे, जब भी हम किसी भी प्रोग्राम में बैठेंगे तो हम जब भी वाइब्रो बजाएंगे तो कॉर्ड को इधर से हम ऑफ कर देंगे ताकि हमको लंबा वाइब्रो मिले। और वाइब्रो को हमें किस प्रकार से प्ले करना है, जैसे हम वाइब्रो प्ले कर रहे हैं तो वाइब्रो को हमें प्रोग्राम के सबसे शुरू में ही, जैसे कोई भी गाना स्टार्ट होने वाला है, हमको भराव लाना है, मतलब फील लाना है कि यहाँ प्रोग्राम हो रहा है या प्रोग्राम को अच्छा बनाना है, तो वाइब्रो ही उस प्रोग्राम को अच्छा बना सकता है। अब वाइब्रो को कैसे प्ले करना है, अगर किसी भी प्रोग्राम में आप बैठे हैं तो सबसे पहले हम कॉर्ड को बंद कर देंगे। देखिए इधर अभी कॉर्ड लगा हुआ है, ठीक है, ये अभी हम कॉर्ड को बंद कर दिए तो इधर भी वाइब्रो बन गया। अब जैसे ही वाइब्रो इधर हो जाता है तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा जो सिंगर है वो अगर काली दो से गा रहा है या वो काली चार से गा रहा है या काली एक से गा रहा है या काली तीन से गा रहा है, तो वो किस स्केल पे गाएगा ये चीज हमको पहले पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिंगर कौन सी स्केल से गाएगा, ताकि जो वाइब्रो आप चलाएंगे, वाइब्रो जो मारेंगे आप पीस, उसके बाद वो स्केल चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो वाला फीलिंग नहीं आएगा जो फीलिंग हम लाना चाहते हैं। अभी क्या होगा, जैसे प्रोग्राम पूरा आपका सेट हो गया, अब आपको पता चल गया कि हमारा जो सिंगर है वो काली दो पे गाएगा, ठीक है, या आपको पता चल गया कि वो यहां से इस स्केल से, यानी कि सफेद चार से, ठीक है, यहां से हम देखते हैं ये सफेद चार, एक दो तीन चार, सफेद चार से। तो हम क्या करेंगे, इधर के सफेद चार से हम वाइब्रो को लेना चालू करेंगे। कैसे, देखिए, अगर हमको पता चल गया सिंगर कौन सी स्केल पे गाएगा तो उस स्केल से ही हम वाइब्रो को लेना चालू करेंगे। जैसे अगर काली दो से गाता है तो हम काली दो से लेना चालू करेंगे, और काली दो के सा ग प, फिर सा ग प, फिर सा ग प, सा ग प, इस प्रकार से हम सा ग प करते करते चले जाएंगे, ठीक है। अभी देखते हैं हम इस स्केल से, काली ए, सफेद चार से, ठीक है। तो सफेद चार से हम चालू करेंगे तो देखिए, सा कोमल ग प लेता हूं मैं, ठीक है, इसको हम और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं, डबल डबल लीजिए, ये, ठीक है, इसको बहुत ही सुरीला हम बना सकते हैं, डबल 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 तिबल लेकर के, फिर से हम रिटर्न ले सकते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। ये चीज अगर आप स्केल बाय स्केल अगर स्पष्ट रूप से करते हैं बहुत ही ज्यादा शानदार लगता है, लेकिन आपको लंबा ये चीज चलाना होगा, इसीलिए मैंने आपको कॉर्ड को ऑफ करवाया। अगर हम कॉर्ड को रखते हैं, यहां से हमारा वाइब्रो चालू हो रहा है तो हमें कहां से करना पड़ेगा, फिर यहां से, इस प्रकार से, अगर हमको लंबा लेना है तो हम इधर से लेंगे तो वो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। इस प्रकार से, ठीक है, ये वाइब्रो का एक उपयोग हो गया, जिसे किसी भी प्रोग्राम में आप बैठे हैं तो स्केल आप पता कर लीजिए कि सिंगर कौन सी स्केल से गाएगा, फिर अगर काली दो से गाता है तो काली दो से आप, इस प्रकार से आप काली दो से भी उसको कर सकते हैं, ठीक है। मेरा हाथ इसी पे जमा हुआ है तो काली दो पे मेरा अच्छे से
नहीं हो पाया, ठीक है, जिस पे आपका हाथ जम जाता है उस पे थोड़ा ज्यादा फास्ट हो पाता है। तो काली दो पे आपको करना है इस प्रकार से, आप काली दो पे कर सकते हैं। इस प्रकार से, ठीक है, तो वाइब्रो का इस्तेमाल इस प्रकार से आप इस प्रकार से कर सकते हैं। वाइब्रो का एक इस्तेमाल ये हो गया। एक इस्तेमाल वाइब्रो का हम इस प्रकार से भी करते हैं कि कोई भी गाना चल रहा है, भक्ति सॉन्ग चल रहा है, अगर भजन वजन, तो हम वाइब्रो को जिस स्केल पे आपका गाना चल रहा है, जैसे इस वाले स्केल पे चल रहा है, तो हम उसको कॉर्ड के रूप में लगा सकते हैं। जैसे इधर हम कॉर्ड लगाते हैं, तो हम क्या करेंगे वाइब्रो को से और स्केल के हिसाब से आप स्केल बाय स्केल सा गा पा सा कोमल गा पा का कॉर्ड लगा करके वाइब्रो को ही बजा सकते हैं। इससे क्या है, गाना और भी ज्यादा सुरीला बन जाता है। तो इसको मैंने जो आपको बताया सा गा पा, तो ये आप कोमल गा से भी कर सकते हैं और इसको आप शुद्ध गा से भी। तो आपको जिसमें अच्छा लगता है, जैसे गाना जो चल रहा है तो उसका जो कौन सा स्केल है, मेजर है या माइनर है, उसको देख करके आप इसको चला सकते हैं। तो गाना जो है आपका बहुत ही सुरीला लगेगा और प्रोग्राम जो सुन रहा है उसको भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा अगर आप बीच बीच में वाइब्रो डालते हैं। ठीक है, तो ये वाइब्रो वाला सिस्टम आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।